Hello students, today we are going to discuss about mensurations part first classes. ठीक है, mensuration क्या होती है, geometry होती है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी rectangle given है, triangle given है, parallel है, कुछ sides, rhombus है, trapezium है, square है, cube है, cuboid है, उसका area, volume, perimeter, ये सब कुछ होता है mensuration में. ठीक है, तो आज हम देखते हैं सन की हेल्प से. सन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. फिर एक है स्क्वायर, ये हमने बनाया स्क्वायर, एंड ए रेक्टेंगल, फिर ये हमने बनाई रेक्टेंगल. ठीक है, विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर. फिगर में गिवन है इसकी तो साइड है 60 मीटर, इसकी है 80 मीटर. Have the same perimeter which will have a larger area. इनका जो perimeter है वो है equal. तो सबसे पहले हम square का perimeter देखेंगे. Perimeter of square. Perimeter of square is क्या होता perimeter? 4x. एक side हमें given है 60. तो कितना हो जाएगा square के All sides equal होती है ना, तो सब 60-60 है. यहाँ से इसका हो गया 4 6 24 मीटर. अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसने यहाँ लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं, और वो गिवन कितना है, इसने बोला है स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लेंथ गिवन है 80, ब्रेथ नहीं है, इज इक्वल टू 240. यहाँ पे आप लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल किसके है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के. यहां से हम 2 उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 80 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा. बी इज 120 माइनस 80 इज 40. ठीक है, अब ये हमने बताना था कि एरिया किसका मोड. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ए स्क्वायर साइड कितनी है हमारी 60, तो 60 × 60 इज 3600 मीटर स्क्वायर. अब हमने निकालना एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज 80, ब्रेथ इज 40, इज 3200 मीटर स्क्वायर. किसका ज्यादा है, स्क्वायर का. ठीक है, यही पूछा था, हाउ मोर एरिया, लार्जर एरिया, हाउ लार्जर एरिया. ठीक है, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, कौन सा रखता है हमारा स्क्वायर, कितना रखता है, हाउ मैनी, तो 400 माइनस कर देंगे. एक बार फिर देख लीजिए हमें क्या गिवन था, एक स्क्वायर था और एक रेक्टेंगल था. स्क्वायर की भी साइड गिवन थी और उसकी लेंथ गिवन थी रेक्टेंगल की, और बोल रखा था कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है. तो हमने दोनों के पेरीमीटर के फॉर्मूले देखे. रेक्टेंगल का होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का होता है 4a. वहाँ पे ए हमारे पास है तो 240 आ गया, यहाँ इसके इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से ब्रेड्थ आ गई. ब्रेड्थ आने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता साइड इंटू साइड. तो यहाँ से हमारा स्क्वायर का है 3600, यहाँ से है 3200, तो किसका ज्यादा हुआ, स्क्वायर का. ओके, नेक्स्ट है Mrs. Kosik has a square plot.
With the measurement as shown in the figure, she wants to construct a house in the middle of the plot. Garden is around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rate 55 per meter square. क्या कहा है? एक लेडीज है, उसके पास स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का प्लॉट है और उसकी साइड है 75 मीटर. वो उस प्लॉट के बीच में हाउस बनाना चाहती है, ठीक है, और चारों तरफ गार्डन बनाना चाहती है. उसने स्क्वायर के बीच में रेक्टेंगल के टाइप का हाउस बनाया, ठीक है, जिसकी लेंथ 70 मीटर है एंड ब्रेड 15 मीटर है. एक लेडीज है, उसके पास स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, उसके बीच में वो हाउस बनाना चाहती है. उस हाउस जो हाउस है रेक्टेंगल टाइप का बना रही है, जिसकी लेंथ और ब्रेड गिवन है, स्क्वायर की भी साइज की. और यहाँ पे वो गार्डन बनाना चाहती है. क्या गार्डन? ओके. और वो जो गार्डन बनाती है तो पर मीटर स्क्वायर पे 55 रुपए लगते हैं, ठीक है. गार्डन पे कितने लाख रुपए लगते हैं? 55 पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हमें क्या अंदाजा लग रहा है? हमें पहले गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर जितना आएगा उसे 55 से मल्टीप्लाई होगा. गार्डन का एरिया कैसे आएगा? सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, गार्डन का आ जाएगा. निकालिए, अब निकालिए एरिया ओ स्क्वायर. स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड 75 एंड 2 में 75 इज 625 मीटर स्क्वायर. ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड. लेंथ इज 70, ब्रेड इज 15 इज 300 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के एरिया में से अगर हम रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 625 माइनस 300 इज 325 मीटर स्क्वायर. उसको डेवलप करने में उसके चारों तरफ ये डेवलप करेंगे तो रुपए लगते हैं 55. तो इतने रुपए पे कितने पे कितने लगेंगे? 325 इंटू में 55 इज 1775 रुपीज. मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसकी, ये ओके. क्या करना है? एक लेडीज है, उसके पास स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, वो उसके बीच में गार्डन बना के चारों तरफ रेक्टेंगल का गार्डन हाउस बनाती है और चारों तरफ गार्डन बनाती है. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड गिवन है, स्क्वायर की साइज गिवन. अगर हम स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो गार्डन का स्पेस बच जाएगा, गार्डन का एरिया निकल जाएगा. तो हमने वही, अब वो बताता है कि पर मीटर स्क्वायर पे 55 रुपए लगते हैं, तो जो एरिया आएगा उस पे कितने लगेंगे? 2 में 55. ओके, नेक्स्ट है ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच बेस इज, पैरेललोग्राम का बेस है हमारा 74 सेंटीमीटर, ठीक है. पैरेललोग्राम ऑफ बेस
इन पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंटेशन इसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन है एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर हाइट इज 10 सेंटीमीटर हाउ मेनी सच स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर ठीक है कवर एरिया 1080 मीटर ठीक है सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि टाइल का एरिया निकालेंगे हम टाइल है ये टाइल है कि वो टाइल पैरेललोग्राम शेप की है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है हाइट 10 सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज क्या होता है बेस इनटू हाइट अब पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे बेस इनटू हाइट यार बेस इज 74 हाइट इज 10 इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो जो कमरा है उसकी जहाँ पे उसने लगाना है वो स्पेस की एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर अगर मैं उस एरिया में ये देखू कि कितने टाइल आएंगे इस एरिया की तो हम डिवाइड करेंगे पर वहां मीटर स्केयर है यहाँ सेंटीमीटर स्केयर है तो उसको हम मीटर में बनाएंगे करिए टोटल टाइल इज 1080 बाय 240 इंटू में 100 इंटू में 100 टू टाइम्स क्यों किया क्योंकि सेंटीमीटर स्केयर था ओके जीरो से जीरो 4 6 जा 4 75 जा 6 1 जा 6 6 4 8 जा 48 0 0 18 90 9 18 36 और 9 41,000 टाइल चाहिए एक बार फिर देख लीजिए एक टाइल है जो पैरेललोग्राम की है उसका बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो एरिया क्या होगा उस टाइल का पैरेललोग्राम शेप का एरिया होता है बेस इनटू हाइट तो दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी अब उसने जिस जहाँ पे हमने टाइल लगानी है उस जगह का एरिया गिवन है तो बतानी कितने टाइल्स लगेंगे तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर स्केयर में था ये सेंटीमीटर स्केयर में था तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया ठीक है 100 से डिवाइड कर दिया अब ये मीटर सेंटीमीटर स्केयर है तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करा हुआ रेसिप्रोकलों के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करी ये आएगा ओके स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू स्टूडेंट्स